पार्टी लोगों के हितों के लिए विश्वास करती है, कांग्रेस पार्टी विकास में विश्वास करती है। और जब से हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम जी की सरकार बनी है, विकास के काम में जो है ग्रहण लग गया है। विशेष पर द्रंग चुनाव क्षेत्र में विकास के काम सारे ठप पड़े हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है। और जिस तरीके से लोकतंत्र की मोदी सरकार धज्जियां उड़ा रहे हैं, और रात के अंधेरे में, आप जानते हैं महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में जब राष्ट्रपति राज था, और रात के अंधेरे में जो है मुख्यमंत्री को, भाजपा के मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी, ये ऐसा आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा उदाहरण हुआ है। इस तरह भी अपने जो इनके विरोधी है, मोदी सरकार इनको जो है अपने दुश्मन समझते हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोधी को विरोधी समझे, दुश्मन न समझे। और उस पर जो झूठे केस बना करके, उन पर रेड करके, उनके खिलाफ केस बना करके जेलों के अंदर डालने की कोशिश की रही। महंगाई जो है आज चरम सीमा पर है, महंगाई पर कोई उनका कंट्रोल नहीं है। और बड़े बड़े जो है पूंजीपतियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े कारखानेदारों को ये सरकार पाल रही है। गरीब लोग आज सरकार से बहुत दुखी है, परेशान है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उस पर जो है ये सरकार हम काबू करें, और गरीब लोगों को जो सस्ता राशन हमारे पक्ष से मिलता रहा है, कम रेट पे दालें मिलती रही है, उसको दोबारा बहाल करें। वैसी भी चर्चाएं आ रही है कि शायद आपको कोई राष्ट्रीय पद हाईकमान देने जा रही है, क्या है सर ये सारा? ऐसा है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ और सोनिया गांधी जी का वफादार सिपाही हूँ। सोनिया गांधी ने जो फैसला लिया है उसकी जो है स्वागत करते हैं। सारी कमेटियां भंग कर दी है, नए सिरे से कमेटियां बनेंगी। तो सोनिया गांधी जी जो भी फैसला करेगी, वो फैसला हमें मंजूर है। मेरे कहने से या किसी के कहने से जो अध्यक्ष नहीं बनता है, इसको सोनिया गांधी ठीक समझे कि कौन व्यक्ति है जो कांग्रेस पार्टी को ठीक आगे ले जा सकता है, कांग्रेस पार्टी को धूल सत्ता में बिठा सकता है। सोनिया गांधी की उचित समय पर उसका निर्णय करें। वीरभद्र सिंह जी ने परसों कहा है कि मेरी बात पहले मान ली होती तो यह हालत नहीं होती कांग्रेस की आज। तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता।